सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मोनिकाज किचन को और साथ में इस बेल को भी दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका त्यागी है और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। तो आज मैं आपके साथ घर पर ही बिल्कुल शुद्ध और प्योर अमचूर पाउडर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। घर पर अमचूर पाउडर बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे 1 से 1.5 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप मेरी इसी तरह की सभी इजी रेसिपीज को देखना चाहते हैं, इसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे इस एरो पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और आपको एक लिंक नजर आएगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी सभी रेसिपीज को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस आसान से अमचूर पाउडर की रेसिपी को। तो अमचूर पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो कच्चे आम लिए हैं और इस कच्चे आम को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसके बाद हम इसको छीलकर तैयार कर लेंगे। तो छीलने के लिए आप इसके ये जो ग्रीन पार्ट है इसको बिल्कुल अलग कर दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने आम को छीलकर तैयार कर लिया है। अब इसके बीच से इस बीज को निकाल दें और उसके बाद हम इसको इस तरीके से लंबे लंबे पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। जितने पतले आप इसके स्लाइस कट करेंगे उतनी ही जल्दी आपका अमचूर पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने सभी स्लाइस को कट करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने पतले पतले स्लाइस कट किए हैं। आप चाहें तो इससे बारीक भी इसको कट कर सकते हैं। आप किसी थाली या प्लेट के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल पतला पतला इसको फैला दीजिए और इसे धूप में आप सूखने के लिए रख दीजिए। आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े के ऊपर डालकर इसको सूखने के लिए रख सकते हैं। कॉटन के कपड़े के ऊपर ये बहुत जल्दी सूख जाएगा, तो इसे सूखने में करीब 2 से 3 दिन लगेंगे। यहाँ पर मैं 2 दिन के बाद आपको इसे दिखा रही हूँ। देखिए, इसे इस तरीके से आप पीस उठाएंगे और तोड़कर इसे चेक कर लीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये पीस आसानी से नहीं टूट रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये अभी। तो अभी हम इसे 1 दिन के लिए धूप में और रख देंगे। आजकल धूप काफ़ी तेज है क्योंकि जेठ का महीना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 दिन के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये देखिए, 3 दिन के बाद ये इस तरीके से बिल्कुल सूख कर तैयार हो चुका है। आप इसके पीस को इस तरीके से बीच से तोड़कर चेक कर लीजिए। अगर ये बीच से टूट जाए तो ये बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे एक मिक्सी के जार के अंदर डाल लेंगे और अब हम इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, पाउडर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे किसी भी एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके 1 से 1.5 साल तक रख सकते हैं। अब आप चाहें तो इससे चटनी बना सकते हैं या फिर करेले और पेठे की सब्जी की तो ये बहुत ही मेन सामग्री है। इसके बिना करेले और पेठे की सब्जी तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। बाकी सब्जियों में भी आप इसको थोड़ा थोड़ा ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मैंने आपको कुछ दिन पहले अभी अमचूर पाउडर की चटनी की रेसिपी शेयर की थी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई थी और वो चटनी हमारी बिल्कुल हलवाई जैसी बनी थी, खट्टी मीठी चटनी। तो उसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी भी मेरी कैसी लगी। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।